स्वागत है आपका हमारे एक नई ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह की ठीक 8:30 बजे से हो रही है। और अभी मैं हूँ शादी वाले घर में, तो यहाँ पर चल रही है शादी की ज़ोर शोर से तैयारी। तो ले चलता हूँ सीधे अंदर जहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं सीधे अंदर। अरे यहाँ पर चल रही है अभी पर्दा लगाने की तैयारी, पर्दे लग रही है हमारे नानी जी। और अंदर देखिए आप, अभी चल रही है तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से, देख सकते हैं। तो अब हम आ गए सबसे ऊपर टॉप फ्लोर में और यहाँ पर लगेंगे पर्दे। और ये है गौर से कौन यहाँ पर लगे हैं कुछ ऐसे वाले पर्दे। थोड़ा मैं अब आपको यहाँ से बाहर का दृश्य दिखा देता हूँ, यहाँ से बाहर का नज़ारा कैसे दिखता है। तो चलते हैं सीधे बाहर। तो आप बाहर जैसे आएंगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ का नज़ारा देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। ये देखिए, ये है गणेशपुर का एरिया और बड़ा ही खूबसूरत यहाँ का इलाका है, क्योंकि यहाँ पर इस साइड आप देख रहे होंगे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, जंगल जंगल खूब है यहाँ पर। तो इससे यहाँ पर जो है हवा भी अच्छी चलती है और गर्मियों में खासकर लोग इन पेड़ों के लिए तरसते हैं और ये आसानी से कहीं मिलते नहीं। तो ये उत्तराखंड के देहरादून के गणेशपुर में कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिससे काफ़ी सुंदर यहाँ पर लोकेशन देखने को मिलती है, ये देख रहे होंगे आप। और अब हम चलते हैं फिर अंदर और एक दो पर्दे देखते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। और अभी एक पर्दा यहाँ पे लगना है, यहाँ पे तैयारी हो रही है पर्दे लगाने की, लेकिन ये पर्दा लगाने वाले कहाँ चले गए अब इनको ढूंढना पड़ेगा, तब जा कर के ये पर्दा लगने वाला है। तो चलते हैं इनको ढूंढते हैं, कहाँ रह गए रे, कहाँ रह गए। और ये मिल गए हैं पर्दा लगाने वाले, इनके हाथों से ही पर्दा लग रहा है। स्पीकर है ये गाड़ी का स्पीकर है, काफ़ी बड़ा है। और देख लेते हैं फाइनल लुक कैसे यहाँ पर पर्दा लगा के लग रहा है। चलो अब नीचे चलते हैं और फिर वहाँ पर भी देख लेते हैं, बाहर की तरफ से सही लगना चाहिए। नीचे भी करते, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था, दूल्हे राजा खुद सही करेंगे। आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा आप कमेंट शेयर लाइक जरूर करें। मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ किसी नए स्थान से, तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ।